हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर में मैंने आपको बताया था दो टाइप के लाउड स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन आपको मैंने बताया था कोन टाइप लाउड स्पीकर, एंड दूसरा था आपका सेकेंड वाज इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर। सो लास्ट क्लास में हमने कोन टाइप लाउड स्पीकर पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर। सो फर्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स ऑफ बेनिफिट्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि मैंने कोन टाइप लाउड स्पीकर में क्या प्रिंसिपल बताया था। कोन टाइप लाउड स्पीकर में मैंने बताया था कि जो हमारा कोन टाइप लाउड स्पीकर होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और करंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, एंड इफ यू रिमेम्बर इन कोन टाइप लाउड स्पीकर वी यूज परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। ओके, सो इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोडाइनेमिक लाउड स्पीकर जो है वो कोन टाइप लाउड स्पीकर के ही जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस है आपका जो हमारा कोन टाइप लाउड स्पीकर होता है उसमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट रादर देन परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने का ऐसा क्या रीजन है? सो रीजन है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है फॉर हाई वोल्टेज स्पीकर्स। तो जितने भी हमारे हाई वॉट के स्पीकर्स हैं उनके लिए हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड मिलता है, और हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलता है ना कि परमानेंट मैग्नेट से। दैट्स व्हाई फॉर हाई वॉटेज स्पीकर्स के लिए हम इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर्स यूज करते हैं। सो एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर इज सेम एज दैट ऑफ मूविंग कॉइल टाइप लाउड स्पीकर, और वी कैन से इट्स कोन टाइप लाउड स्पीकर। ओके, ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर। ठीक है, एंड जो ये आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर है मोर देन 25 वॉट से लेके 100 वॉट तक यूज होते हैं, मतलब इसमें जो पावर रहती है 25 वॉट से फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफी सिमिलर है आपका कोन टाइप लाउड स्पीकर से। अब आप इस स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं कि बीच में एक मैग्नेट है, मैग्नेट कौन सा? इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसका साउथ पोल सेंटर में और नॉर्थ पोल पेरिफेरल पे। ओके, यहाँ पर एक फील्ड कॉइल जनरेट हो रही है। आगे देखिए स्पाइडर स्प्रिंग है, और स्पाइडर स्प्रिंग से ही आपकी वॉइस कॉल भी कनेक्टेड है, और हमने इसमें पूरा कोन शेप बना रखा है जैसे पहले बनाया हुआ था। उसी के ऊपर एक डस्ट कवर लगाया हुआ है, सपोर्टिंग स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब जो एक कोर में लिपटी हुई लार्ज फील्ड कॉइल जो कि हमें एक बहुत ही स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो यूज करते हैं। और जो ये मैग्नेट होगी, मैग्नेट का जो शेप होगा दैट विल बी पॉट टाइप, जिसका साउथ पोल जो है आपका सेंटर में है एंड नॉर्थ पोल आपका पेरिफेरल पे है। और इस कोर के इस स्पेशल साइज की वजह से ही जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पोल्स होता है, पोल्स जो पीसेस के बीच में अनुलर गैप में कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, तो एंड वॉइस कॉइल को जो इसमें हमारी जो वॉइस कॉइल यूज हो रही है उसको फाइबर या एल्यूमिनियम पर हम रैप करते हैं, और एल्यूमिनियम में फाइबर या एल्यूमिनियम पर लपेटते हैं, इसको एनुलर गैप के अंदर रखते हैं, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर की आउटपुट से लेकर वॉइस कॉइल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल चेंज होकर चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंट्रैक्शन होने के कारण कॉइल असेंबलिंग में मैकेनिकल वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जो कि ऑडियो सिग्नल के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आई? मैं इसे रिपीट करूं आपके, देखो जिसमें वॉइस कॉइल आपको दिखाई दे रही है, वॉइस कॉइल को हम फाइबर या एल्यूमिनियम पर रैप कर देते हैं पहली चीज, और इसको क्या करते हैं हम एनुलर गैप के अंदर रखते हैं। ठीक है, एनुलर गैप के अंदर रखते हैं, और जो ऑडियो सिग्नल है हमारा उस ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर के आउटपुट से लेके हम वॉइस कॉइल पर अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, ये सिग्नल चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा,
और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन के कारण एक मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो होंगे होंगे जो ऑडियो सिग्नल्स के प्रोपोर्शनल होंगे, और जो कॉइल में जितने भी वाइब्रेशंस हैं उससे क्या होगा, आपका फोन में ट्रांसमिट हो जाते हैं और उससे आपकी क्या आती है, साउंड, और आउटपुट में हमको क्या चाहिए, साउंड. क्लियर? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर. क्लियर? ये आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का जो हमारे रियल लाइफ में यूज होता है. ये देखो जो चीज मैंने अभी आपको बताई, स्पेशल शेप ऑफ कोर अलाउज मैग्नेटिक फ्लक्स टू रिमेन कंसेंट्रेटेड इन द एनुलर गैप बिटवीन पोल पीसेस. वॉइस कॉइल इज बाउंड ऑन फाइबर और एल्यूमिनियम, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. इट प्लेस इन बिटवीन द एनुलर गैप. ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द एम्पलीफायर्स आउटपुट ट्रांसफॉर्म इज अप्लाइड टू द वॉइस कॉइल. सॉरी. एंड सिग्नल कॉजेज ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. What are the advantages and disadvantages of electrodynamic speaker? Advantages of electrodynamic speakers are these: with the help of these speakers, high power can be obtained, and in these speakers produce better frequency response. Flat frequency response, ज़्यादा frequency range के लिए ये मिलता है. And इसका disadvantage क्या है? सबसे main disadvantage है कि this is heavy in weight. And it's very costly. And another thing, power supply is needed for filled coil also. ठीक है? So this is the disadvantage of electrodynamic loudspeaker. So आपको अगर revise के लिए देखना हो, तो आपको ये cone type loudspeaker मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, and cone type loudspeaker is more important than electrodynamic. अगर आपको cone type loudspeaker आता है, तो आपको electrodynamic loudspeaker there is only of change of मैग्नेट टाइप, जो कि आप कौन टाइप लाउड स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट यूज करते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हो, दैट्स ओनली द चेंज. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम. ठीक है, थैंक यू.